नमस्कार, मैं प्रिया। आज 10 दिसंबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। एसएससी सीएचएसएल की तरफ से 4,276 पदों के लिए निकाली गई वैकेंसी। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए अनुमानित पोस्ट का विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सीएचएसएल 2020 परीक्षा से केंद्रीय विभागों में डेटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और पोस्ट असिस्टेंट के विविध पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके बाद कुल मिलाकर 4,276 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। पूर्वी चंपारण के अशोक स्तंभ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मोतिहारी शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है लौरिया, जहां ऐतिहासिक अशोक स्तंभ स्थापित है। सम्राट अशोक ने अपने द्वारा लगवाए गए सभी शिलालेख और स्तंभों में मानव मूल्यों में उच्च नैतिकता को बरकरार रखने के लिए अपने संदेश अंकित किए थे। इस स्तंभ पर 41 पंक्तियों में नागरिकों को मानव धर्म का पालन करने एवं मित्रता का संदेश अंकित है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26 साल बाद यह धर्मलेख 6 ठोस पत्थरों के स्तंभों पर लिखवाया था। इस धर्मलेख स्तंभ का वजन 34 टन है, जबकि इसकी ऊंचाई 36.5 फीट है। इस स्तंभ के ऊपर सिंह नहीं है, जो शायद टूट जाने के कारण कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का मूल्यांकन शुरू होगा फरवरी से। बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा और मैट्रिक 2021 की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए जिला मुख्यालय में केंद्र का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इन दोनों परीक्षाओं के लिए कुल मिलाकर 7-7 मूल्यांकन केंद्र बनाए जाएंगे। बिहार बोर्ड की माने तो इंटर का मूल्यांकन 26 फरवरी 2021 से और मैट्रिक का मूल्यांकन 5 मार्च 2021 से शुरू होने की संभावना है। मूल्यांकन केंद्र को लेकर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। इस पत्र में बोर्ड ने सभी जिलों से मूल्यांकन केंद्र निर्धारण करने का निर्देश दिया है। मूल्यांकन केंद्र निर्धारित करने के बाद केंद्र की सूचना बोर्ड के पास भेजनी है। बीपीएससी 64वीं सीसीई इंटरव्यू की तारीख की हुई घोषणा। बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी 64वीं परीक्षा के सेकंड और आखिरी फेज के इंटरव्यू की तारीख की घोषणा कर दी है। पहले राउंड में जो सफल हुए थे, वही दूसरे राउंड के लिए तारीख भी देख सकते हैं। यह तारीख बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार यह परीक्षा 4 जनवरी 2021 से शुरू होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार इंटरव्यू को 2 सेशन में लिया जाएगा। पहला सेशन सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा और दूसरा सेशन 2:30 बजे से शुरू होगा। बिहार में कोरोना के मिले 600 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 690 मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,40,939 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 267 मामले सामने आए हैं, मुजफ्फरपुर में 34 तो वहीं सारण में 28 मामले सामने आए हैं। अब बाइक पर पीछे बैठने वाले को भी पहनना होगा हेलमेट। बाइक पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने इस प्रस्ताव को नियम बनाकर लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। एमवीआई के त्रिपाठी ने बताया कि सोमवार को परिवहन मंत्री शीला कुमारी और परिवहन सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में यह प्रस्ताव लाया गया। उन्होंने कहा कि अभी लोगों को इस विषय में जानकारी दी जाएगी और उन्हें जागरूक किया जाएगा। जनता से मिली समस्याओं पर बिहार सरकार अब लेगी एक्शन। राज्य सरकार अब जनता की तरफ से मिली शिकायत का निवारण करने वाली है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने समस्याओं के निपटारे के लिए बेहद ही कम समय में ज्यादा प्रभावी ढंग से करने के लिए सोशल साइट्स को माध्यम बनाया है। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन समेत अन्य किसी भी सोशल साइट पर मौजूद सरकारी विभाग के पेज या बिहार सरकार के सरकारी पेज पर अगर कोई भी समस्या को लेकर शिकायत दर्ज करता है तो उसका समाधान तुरंत ही निकाला जाएगा। इसके लिए शिकायतों को संबंधित विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को लेकर जारी किया आदेश। राज्य सरकार ने हाल ही में पटना हाईकोर्ट को कोरोना के रोकथाम के लिए जारी की जा रही कार्रवाई का पूरा ब्यौरा पेश किया है, जिसके तहत कोर्ट ने 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होने वाली है। इसके बाद जेपी सेनानी, दिनेश कुमार सिंह और अन्य की तरफ से दायर लोकहित याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और एस कुमार की खंडपीठ पीठ ने सुनवाई की।
दिसंबर जनवरी में होगी कई बड़ी परीक्षाएं, मगर कोचिंग बंद होने के कारण परीक्षार्थी परेशान। कोचिंग संस्थान बंद होने से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों की परेशानी बढ़ गई है। हाल ही के दिनों में कई बड़ी परीक्षाओं का आयोजन होना है, जिसमें रेलवे की परीक्षाएं शामिल है। सिर्फ इसी परीक्षा के लिए बिहार से 7 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। बिहार एसएससी मुख्य परीक्षा, बिहार वन रक्षी परीक्षा, बिहार वनपाल परीक्षा, बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा, बिहार चालक सिपाही परीक्षा, स्टेनो एएसआई प्री एग्जाम, रेंज ऑफिसर प्री एग्जाम, सिपाही होमगार्ड परीक्षा इस महीने से लेकर अगले महीने तक आयोजित होने वाले हैं, मगर बंद कोचिंग ने छात्रों की परेशानी बढ़ा दी है। नालंदा में बन रहे अत्याधुनिक राजगीर सफारी को केंद्र से मिली मान्यता। नालंदा और बिहार समेत पूर्वोत्तर भारत के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। राजगीर में बनी सफारी को सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मान्यता दे दी है। इसके साथ ही गोरखपुर स्थित शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान को भी मान्यता मिली है, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके दी है। वहीं इस बाबत राजगीर सफारी के निदेशक ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि जुलाई में सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने सफारी के लिए बनाई गई संरचनाओं का जायजा लिया था। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अखिलेंद्र मिश्रा की। अखिलेंद्र मिश्रा एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता हैं, जिन्हें 1990 के दशक में दूरदर्शन की काल्पनिक टेलीविजन श्रृंखला चंद्रकांता में उनके किरदार के लिए जाना जाता है। उनके अन्य अभिनयों में 1999 के समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म सरफरोश में मिर्ची सेठ का रोल शामिल है। उन्होंने अकादमिक पुरस्कार नामांकित फिल्म लगान में भी अर्जुन का किरदार निभाया। उन्होंने हिंदू महाकाव्य रामायण के 2008 के टेलीविजन रूपांतरण में राक्षस राजा रावण की भूमिका निभाई। मिश्रा ने 1995 में रिलीज हुई वीरगति में सलमान खान के विरोधी का किरदार निभाया था। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की बैठक। बिहार में बेलगाम बढ़ रहे अप्रिय वाक्यों पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसको लेकर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन हाई लेवल मीटिंग का गठन करवाया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बिहार के डीजीपी के साथ साथ मुख्य सचिव और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस बैठक में बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार के साथ साथ गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुभानी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बिहार में ट्रैक्टर बाजार ने भरा फर्राटा। कोरोना के माहौल में जहां एक तरफ लगभग सभी व्यापारिक क्षेत्रों में मायूसी देखने को मिली थी, लेकिन कोरोना के बावजूद ट्रैक्टर बाजार में रौनक देखने को मिली है। पिछले साल के अप्रैल से सितंबर महीने की तुलना में इस साल समान अवधि में बिहार में 5,392 ट्रैक्टरों की बिक्री अधिक हुई है। जानकारों की माने तो कोरोना काल में देश विदेश से लौटे प्रवासियों ने अन्य रोजी रोजगार तो किया ही, ट्रैक्टर खरीद खेती भी शुरू की। इसमें अधिकांश वैसे लोग हैं जो खाड़ी देशों से लौटे हैं। अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य करीब 3% बढ़ा तो बुआई रकबा 8% बढ़ गई है, जिसके कारण खेती लाभकारी लगी। सरकार की इस नीति से भी ट्रैक्टर की बिक्री बढ़ी है। कानूनी पेच में फंसा पूर्णिया से हवाई सेवा चालू होने का मामला। चूनापुर सैन्य हवाई अड्डे से सीमांचल क्षेत्र के लोगों के लिए वायु सेवा का सपना हाल के दिनों में साकार नहीं होता दिखाई दे रहा है। सरकारी घोषणा एवं तेजी से भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा करने के बाद लोगों की उम्मीद जागी थी कि जल्द ही सीमांचल के लोगों के लिए पूर्णिया से वायु सेवा की जाएगी। हालांकि कानूनी पेच में फंसने के कारण हवाई सेवा का कार्य लटक गया है। पूर्णिया में हवाई सेवा शुरू करने के लिए 75 रियायतों की 52.18 भूमि अर्जित भी की गई थी। इसमें 30 रियायतों की 17.89 एकड़ भूमि की दखल दहानी अधियाची विभाग को भेजी जा चुकी है। शेष 45 रियायतों ने मुआवजा राशि लेने से इनकार करते हुए भू अर्जन के विरुद्ध उच्च न्यायालय पटना में वाद दायर कर दिया, जो अब तक लंबित है। कोरोना के चपेट में अब आया क्रिसमस सेलिब्रेशन। कोरोना का प्रभाव अब क्रिसमस सेलिब्रेशन पर भी देखने को मिलने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार लोग अब कोरोना संक्रमण से बचने के लिए क्रिसमस पर आयोजित होने वाले विशेष प्रार्थना को धर्मगुरुओं द्वारा व्हाट्सएप पर ही भेजा जाएगा। इसको लेकर तमाम चर्चों की तरफ से कई व्हाट्सएप ग्रुप का गठन किया गया है। इससे लोगों को चर्च आने की जरूरत नहीं होगी और प्रार्थना सभा में शामिल होने का मौका भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस बार क्रिसमस पर प्रार्थना के लिए पर्ची या पैम्पलेट नहीं बांटे जाएंगे, डिजिटल रूप से ही सारे कार्यक्रम पर जोर दिया जाएगा।
एनडीए सरकार में कानून व्यवस्था पर भाजपा ने दिया बयान। बिहार में अप्रिय वाक्यों की संख्या में उछाल देखा गया है। वहीं अब कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने भी नीतीश सरकार की निंदा शुरू कर दी है, जिसके तहत भाजपा विधायक संजय सारवगी ने भी पुलिस पर सवाल उठाया है। दरअसल बीते दिन दरभंगा में दिन दहाड़े एक स्वर्ण दुकान में हुई चोरी के बाद भाजपा ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि इस वाक्य में पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है। इसके पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी। दरभंगा में स्वर्ण दुकान में 10 करोड़ लूटने पर तेजस्वी ने पूछे सवाल। बीते दिन दहाड़े दरभंगा में सोने के आभूषण को लूटने पर राजनीति शुरू हो गई, जिसके साथ ही नीतीश कुमार भी सवालों के घेरे में आ गए हैं, जिसको लेकर भाजपा ने सरकार से जवाब तो मांगा ही है। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने सवाल तो उठाया ही, साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार को महाजंगल राज का नजारा भी बताया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि महाजंगल राज में दिन दहाड़े भरे बाजार में 10 करोड़ का सोना लूटा गया है। चंद कदम दूर ही एसपी ऑफिस और बीजेपी एमएलए का आवास है, जवाब कौन देगा? 30 साल पहले के सीएम या वर्तमान सीएम? काश महाजंगल राज के महाराजा इस पर कुछ बोलते। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा 18 दिसंबर को चुनाव। हम पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर चुनावी तैयारियां शुरू हो गई है, जिसके बाद हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बताया कि जल्द ही हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। दानिश रिजवान की माने तो 13 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। इसके बाद 18 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जीतन राम मांझी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। आज की तारीख इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई है। 1878 में आज ही के दिन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म हुआ था। 1903 में पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1950 में आज ही के दिन मानव अधिकार दिवस घोषित किया गया था। 1998 में भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान देने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2001 में आज ही के दिन भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में शुमार दादा मुनि ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का आदेश, 5 किलो से अधिक नहीं होगा बस्ते का वजन। केंद्रीय मंत्री ने बैग के वजन को लेकर नियम जारी किया। इसके तहत अब स्कूली छात्रों के बैग का वजन उनके वजन से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अनुसार पहली कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के बैग का वजन 1.6 से 2.2 किलोग्राम होगा। वहीं 12वीं के विद्यार्थियों के बैग का वजन औसतन 3.5 से 5 किलोग्राम के बीच रहेगा। इसके लिए अब स्कूलों में मशीनें रखी जाएंगी जो वजन नापेगी। शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी। इन संदर्भ में काफी सर्वे किया गया और उसके बाद इसे अंतिम रूप दिया गया। स्लो ओवर रेट के लिए टीम इंडिया पर लगा जुर्माना। भारतीय टीम पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच में धीमी ओवर गति के लिए मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया है। आईसीसी मैच रेफरी डेविड बून ने यह जुर्माना लगाया है। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी T20 सीरीज खेलने मैदान में उतरी टीम इंडिया ने मैच में निर्धारित समय में एक ओवर पीछे रह गई थी। इसको लेकर आईसीसी के एक अधिकारी ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत आईसीसी की तरफ से कहा गया है कि आईसीसी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए आचार संहिता की धारा 2.22 के तहत निर्धारित समय में ओवर पूरा नहीं कर पाने पर टीम पर प्रति ओवर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया जाता है। व्हाट्सएप पर हर चैट के लिए लगा सकेंगे अलग वॉलपेपर। अब व्हाट्सएप पर अब आप आसानी से अलग अलग चैट के अनुसार अपने वॉलपेपर को बदल सकते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें। अब आप वह चैट ओपन कीजिए जिसका वॉलपेपर बदलना चाहते हैं। फिर आपको कॉन्टैक्ट नेम पर टैप करना है, जिससे कॉन्टैक्ट इन्फो खुल जाती है। अब आपको वॉलपेपर एंड साउंड ऑप्शन पर जाना है, फिर चूज अ न्यू वॉलपेपर पर टैप करें। आप व्हाट्सएप पर मौजूदा लेटेस्ट स्टॉक वॉलपेपर्स में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको WhatsApp के वॉलपेपर्स पसंद नहीं आए तो फोन की गैलरी से भी तस्वीर चुन सकते हैं। यही प्रक्रिया आप अन्य चैट्स के लिए भी अपना सकते हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कीर्ति सैनन आई कोरोना की चपेट में। बॉलीवुड के गलियारे में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। वरुण धवन, नीतू कपूर के बाद अब कीर्ति सैनन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी जानकारी कीर्ति ने खुद ही इंस्टाग्राम से शेयर की है, जिसके तहत कीर्ति ने लिखा है कि मैं आप सबको सूचित करना चाहती हूं कि मैं कोविड-19 पॉजिटिव हो गई हूं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पूरी तरह ठीक हूं और बीएमसी और अपने डॉक्टर की सलाह के मुताबिक क्वारंटीन में हूं। मैं इस मुश्किल से निकल जाऊंगी, आराम करूंगी और जल्द काम पर लौटूंगी। मैं सभी शुभकामनाएं पढ़ रही हूं और लगता है कि वो असर कर रही है। दोस्तों सुरक्षित रहिए, पैंडेमिक अभी गया नहीं है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 9 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,300 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,300 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 64,400 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 85.42 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। नितिन गडकरी आज करेंगे नए कोइलवर पुल का उद्घाटन। पटना को आरा जिले से जोड़ने वाले कोइलवर पुल के समानांतर सोन नदी पर बन रहे 6 लेन पुल का उद्घाटन आज नितिन गडकरी करने वाले हैं, जिसके बाद इस पुल पर वाहनों का परिचालन आज से शुरू होने वाला है। आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पुल का उद्घाटन करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुल के उद्घाटन समारोह में मौजूद रह सकते हैं, जिसके बाद बिहारवासियों का परिचालन सुगम हो जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है सूरज पटेल, श्वेता रॉय, बाबुल कुमार बोसक, प्रियमल यादव, राधा श्याम, अमित पासवान जी, अमरजीत कुमार, शशि भूषण, संजय सिन्हा, संदीप कुमार यादव, ऋतु देवी यादव, मुन्ना कुमार, असलम राज, चंदन राज चौधरी, सेजल, शिवराज यादव, रिमझिम महाराणा, राज पांडे। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारतीय टीम में महेंद्र सिंह धोनी की जगह कौन ले सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।